खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से, जहां एक विवाहिता को ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 वर्ष पहले ही महिला के पिता ने दान दहेज के साथ उसका विवाह करवाया था। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना बिखरी चैनपुर के ग्राम भगूलपुर के रहने वाले जयपाल सिंह पुत्र पुरुषोत्तम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने अपनी पुत्री संतोषी देवी का विवाह लगभग 2 वर्ष पूर्व रमेंद्र सिंह यादव पुत्र राम निवास निवासी ग्राम करीमगंज बूढ़ा थाना दातागंज बदायूं के साथ मुंह मांगा दान दहेज देकर करवाया था, परंतु ससुराल पक्ष के लोग उसके पश्चात भी कार या फिर उसके बदले 6.5 लाख रुपए नगद की मांग करते रहे। वही मांग पूरी न होने पर संतोषी को घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु समझाने बुझाने के बाद वह उसे वापस ले गए। इसके उपरांत साजिश के तहत पति रामेंद्र जेठानी रीता यादव के साथ सतीश बंटी रिंकू संतोषी देवी को अपने साथ लेकपुर गल्ला मंडी थाना सुभाष नगर में आकर रहने लगे। आरोप यह है कि संतोषी देवी ने अपने पिता को फोन कर बताया कि ये लोग उसे मारने की योजना बना रहे हैं। संतोषी ने कहा कि पापा मुझे आकर ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। फोन पर प्रार्थी जयपाल अपनी पत्नी अपने बेटे के साथ पुत्री के मकान पर पहुंचे तो वह फंदे से लटकी हुई मिली थी। वह ससुराल वाले वहां से फरार हो गए थे, जिसकी सूचना सुभाष नगर थाने में दे दी गई थी। पुलिस ने रमेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा, परंतु बाकी मुंशी मान अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है, जो पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जयपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। आपका जयपाल, जयपाल जी, क्या मामला है जो यहाँ एसएसपी ऑफिस आए? सर, मेरी लड़की मार दी मेरे दामाद। क्या नाम है दामाद का? कौन सी जगह का मामला है? राविंदर यादव नाम है दामाद का, और नेकपुर गल्ला मंडी में किराए के मकान में रहता था। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएं कम शब्दों में। सर, ये दहेज की मांग करता था। अच्छा। इसके मुँह मांगा दहेज दिया मैंने, मोटरसाइकिल भी दी, और कहता था या तो 6.5 लाख रुपए दो या फिर 4 पहिया गाड़ी लेके दूंगा। सर, उसने लड़की मेरी 9 तारीख कौन सी 9 मार्च को 9 मार्च को गला दबा के मार दी और नाम कर दिया कि फंदे पे लटका दी। तो पीएम वगैरह हुआ था लड़की का? वो हुआ है सर। क्या पीएम में क्या? सर, वो हैंगिंग आई है। हैंगिंग आई है? हाँ, 4 महीने का बच्चा था उसके पेट में सर, तब भी इसने रहम नहीं किया। क्या नाम था महिला का जो खत्म हुई है? संतोष। कितनी उम्र थी? करीब 22 साल उम्र। बच्चे वगैरह? बच्चा कुछ नहीं, पेट में बच्चा था 4 महीने का। अभी एसएसपी ऑफिस में आए कि आज वचन दिया अधिकारी ने आपको? आज कोई मिला ही नहीं। तहरीर हम एक पहले दे चुके हैं एप्लीकेशन, आज तक कोई सुनवाई हमारी कहीं पे नहीं हुई है, ना सुभाष नगर थाने में ना यहाँ पे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।